पूरा का पूरा खर्चा उठा दिया यहाँ पे पेट्रोल का, करीबन 6000 कितना था, 6480। सिक्किमको लागि चाहिँ मेरोबाट 25% अफ छ, अरूले 800 लिन्छ भने म तपाईँहरूलाई 650 गरिदिन सक्छु। यस्तो हाउले देख्दैछ कि अरे हमारा जो कन्डिसन है ना एकदम सही नहीं है, इतना अच्छा धूप लगा है आप लोग देख सकते हैं। और ये हेलो यूट्यूब फैम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। सो आप लोग कैसे हैं, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का ब्लॉग शुरू होने जा रहा है होटल के टेरेस से, और अभी अभी धूप भी निकल के आया है, कुछ खास लग रहा है आज का धूप। और जो यहाँ से ना फेवा लेक का व्यू कुछ इस तरीके का है, अभी का करीबन बजा है 7। और ना गाइस, रात को थोड़ा लेट से आया था क्योंकि आप लोग को पता ही है, जो प्रीवियस वीडियो में आया था जो अनमोल केसी के साथ भी मीटअप हुआ था हमारा, लेट से आया था, पॉप गया था और लेट से सोया, थोड़ा सा लेट से उठा। तो है ना गाइस, आज का जो हमारा प्लान है काठमांडू जाने का प्लान है, तो वहाँ जाने से पहले लड़के लोग तो सब सो रहा है, मैं जा रहा हूँ शिवजी का स्टूपा, तो नीचे जाते हैं फटाफट, लड़के लोग क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। अभी ना लड़के लोग सब लोग सो रहा है, और कल रात को लेट से आया था ना इसीलिए सो रहा है, दोनों सो रहा है। यहाँ पे विकास पप्पू उधर है, और जो हमारा सामान है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी इसको पैकिंग भी करना है। सो अभी चलते शिवजी टेम्पल की तरफ, मिलते हैं शिवजी टेम्पल में। सो अभी निकल लेता हूँ पुमती कोट, स्टेटस ऑफ लॉर्ड शिव के वहाँ पे, तो वहाँ का थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और स्ट्रीट 6 सुबह सुबह को ना यहाँ पे बहुत ठंड होता है, और मैंने लगाया है हेवी जैकेट और निकल पड़े हैं पुमती कोट की तरफ। दूर से आए हैं ना, तो इतना दूर से आए तो यहाँ पे घूम के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आएंगे कि ना ही आएंगे कोई पता अता पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ पुमती कोट अकेले, क्योंकि लड़के लोग तो सब सो रहा है, क्योंकि ये लोग तो नहीं जाएगा। इतना अच्छा धूप लगा है आप लोग देख सकते हैं, और ये धूप थोड़ा ऊपर पहुँचा है, अभी 7:20 जैसा हुआ है, अभी मेरे को करीबन लगेगा यही आए एक घंटा जैसा, क्योंकि यहाँ से दिखा रहा है 10 किलोमीटर, 25 मिनट्स का राइडिंग डिस्टेंस है। बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी ना मैं टाउन से थोड़ा सा बाहर निकल चुका हूँ, और पुमती कोट जो स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिव का थोड़ा मार्केट से बाहर है। यहाँ पे ना पूरा स्टीप है, पूरा स्टीप है, हैवी हैवी स्टीप है। थोड़ा सा नीचे मेन रोड से मैं रास्ता भटक गया था। पोखरा ना सब जगह से ना मतलब पहाड़ों से घेर के रखा है पोखरा को, तो मतलब चारों दिशा में पहाड़ है, तो किसी भी पहाड़ में जाएंगे ना पूरा का पूरा पोखरा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड, मुझे ना ये गूगल मैडम ने थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता दिखाया, पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग था। अभी मेन रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई नहीं, अभी जाते वक्त भी वही ऑफ रोडिंग ही जाएंगे। पहुँचने वाला हूँ जस्ट 900 मीटर आगे है पुमती स्टैचू लॉर्ड शिव का। सो यहाँ से मैंने मतलब पूजा का सामान लिया है, और सुबह सुबह को ना शिव जी का दर्शन हो रहा है अभी, तो अभी निकल लेते हैं। ये चेक करेगा इस खूबसूरत पहाड़ों के गोद में बैठा हुआ पोखरा का जो लेक। सो अभी फटाफट करके चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये लोग ना सब लोग शायद स्टूडेंट होंगे, वो लोग को घुमाने के लिए लेके आया होगा, तो अभी हम जाते हैं फटाफट। ये चेक करेगा इस शिवजी का स्टूपा खूबसूरती, और मैं तो शिवजी का भक्त हूँ ना, तो पूजा तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह का आया, और मैं बहुत बढ़िया विश मांगने वाला हूँ शिवजी को। तो मेरे दोस्त लोग ने ना ये जो स्टैचू है मिस किया, और
मैं तो पहुंच रहा हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह एक बार इतना अच्छा धूप भी लगाया और यहाँ पे ना यहाँ का जो वाइब्स ही कुछ अलग है। शिव जी है ना, शिव जी महादेव का दर्शन के लिए क्या क्या नहीं किया हमने। हाँ केदारनाथ तक गया, पर यहाँ पे इतना बड़ा स्टैचू है। अभी मैं पूजा करने वाला हूँ। जैसे ये गेट से अंदर घुसेंगे ना, तो ये पूजा का थाली है, अंदर घुसेंगे आपको सबसे पहले नंदी जी मिलेंगे। और नंदी जी मिलने के बाद आपका जो दाएं तरफ है एक मंदिर है, यहाँ पे आप लोगों को पूजा करना पड़ेगा। तो पहले मैं पूजा कर लेता हूँ। और यहाँ पे घंटी है, आप लोग बजा सकते हैं। और जो शिव जी का जो स्टैचू है यहाँ पे है, और पूरा बाहर में बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर में भी। अभी पूजा कर लेता हूँ यहाँ पे। और छोटा सा फाउंटेन और बीच में शिव जी का लिंग, लिंग को पूरा पानी सब जगह से। ये शिव जी का लिंग ना करीबन 108 है कुल मिला के, पूरा मंदिर के चारों दिशा में है। और आप लोग ना यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं, एंट्री फीस भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे गणेश जी का है मूर्ति। अभी मैं ना ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ, और यहाँ ऊपर में भी आप लोग देख सकते हैं जो शिव जी का लिंग है ना, पूरा का पूरा चारों दिशा में लगाया है। यहाँ पे भी कुल मिला के 108 ही होगा। और जो इसमें ना इस टाइप का है, ग्लास लगाया हुआ है। और ऊपर तक ऊपर में शिव जी का इमारत है, और नीचे में कुछ स्थलिक टाइप का है। और शिव जी का दर्शन के लिए पूरा घूम लेता हूँ चारों ओर तीन बार। तो कुछ पीछे से कुछ इस टाइप का है, ये सारा सिविल कंस्ट्रक्शन है और सब बनाया हुआ है। और डमरू पीछे में डमरू दिया है, डमरू बनाया हुआ है। कितना बड़ा डमरू है, ये चेक करेगा इस डमरू। वाह लवली। वो टेंपल से मैं लौट रहा हूँ, और यहाँ पे ना जो रास्ता है एकदम ज़्यादा ही स्टीप है, और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होके जाना पड़ेगा। हैवी स्टीप है, हैवी स्टीप, एकदम हाइट में है। और यहाँ से ना चारों ओर इतना अच्छा दिखता है, इतने लोग आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे मेन अभी घूमने वाला तीर्थ स्थल टाइप का हुआ है, इसलिए सब लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। कौन सा स्कूल? बाय कौन सा स्कूल? ए ला ला यहाँबाट बताला पोखरा पुग्छ है। ओके सब्सक्राइब गर्नु र मेरो च्यानल ल। नाम के हो? कुशल हेलिना। कुशल हेलिना। कुशल हेलिना। ओके 1 आवर लेटर। सो अभी ना हम लोगों का डुंगा राइड होने वाला है, और ये पूरा जैकेट पहन रहे हैं सब लोग। हो गया किधर गन? गन लड़ाई में जा रहे हैं ना? गन पीटर के पास होगा, मेरे पास में मैं रख दिया रूम पे रख दिया। और रूम पे ऐसे करोगे ना घर नहीं पहुंचेगा भाई। ये तो नहीं हो रहा है तो भाई है? मेरा क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तो मैं भी लगा लेता हूँ। सो अभी ना हम लोग बोटिंग शुरू कर चुके हैं, और ये भाई ने हमें घुमा रहे हैं। अभी करीबन एक घंटे के लिए है हमारा जो बोट बुक हुआ है। और हमारा जो मतलब मंदिर है ना ताल बहारी, ताल क्या क्या बोलते हैं, तोल बाराही मंदिर वहाँ पे है। तो हम लोग जाके पूजा करेंगे वहाँ पे। और अभी हम लोग पांच ही जन एक ही बोट में है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, फिर भी कोई नहीं, डर के आगे जीते। पानी यहीं पे है जस्ट।
दोनों हम दोनों अभी पूजा करने के लिए आए हैं और ये हमारा जो ग्रुप है ना वो फिर घूमने के लिए जा रहा है और पूरा मंदिर के चारों ओर घुमा के लेके आएगा। वो बहुत मस्ती कर रहा है अर्जुन। सो चले बो ओए ओए अलग माथि आयो अलग हाइट में आयो अलग थप्पे भा थे सभी ना। हम लोग पूजा करने वाले हैं ताल बारह ही पे तो एक एक ले लेते हैं। ये सब एवटे हाई हमें ये बट्टा यहीं लिया फर्काउन पर्स जो ले लेते हैं और जो ये बॉल है बॉल यहीं छोड़ना पड़ेगा। चार लाख पर्क छ यसलाई भर्खर किनेको हेर्नुहोस् नयाँ बोर्ड छ। सिक्किमबाट आउने जति पनि टुरिस्ट हुनुहुन्छ सिक्किमको लागि चाहिँ मेरोबाट 25% अफ छ। अरूले 500 लिन्छ भने म तपाईँहरूलाई 650 गरिदिन सक्छु। तपाईँको लागि यो चाहिँ अफर छ एकदमै दाबी लगाउँ छ लगाएर 25% मिलेन त अलिक मिलेन नि। तो अभी ना हम लोग पूरा का डोंगा राइड करके भी आ चुके हैं और विकास और मैंने ताल बारह ही जाके पूजा भी कर लिया मन्नत मांगे और ये तीनों ने ना पूरा का पूरा ये ताल बारह को पूरा चारों ओर से घूम के और पूरा का डोंगा राइड करके आया है। और अभी ना हम लोग निकलना है काठमांडू की तरफ। मन में एक तरह का शांति मिला मुझे। शांति मिला तो सही बात। अभी जाके खा लेते हैं थकाली खाना और मार्केट में जाके और कोई नहीं अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद मोटर ब्लॉक पे। तो अभी ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये जो होटल हिमालयन वैकेशन ना यहाँ पे हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है और यहाँ पे ना इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंजिला है। यहाँ पे बहुत सारा रूम है बहुत अच्छा है और विमल का पूरा फुल सेट अर्जुन भी रेडी है पूरा मतलब गंदा कपड़ा लगा के और विकास भी रेडी है ऑल सेट। और पीटर को राइडर आ रहा है और ये अर्जुन का है और मेरा भी पूरा का पूरा सेट और बाइक भी बहुत साफ है अच्छा दिख रहा है। पीटर आई जा। सो दीदी ल थैंक यू सो मच हो राम्रो लाग्यो यहाँ अनि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ तपाईको 3 दिन बादमा आउँछ तपाईको उ गरेछ छ भिडियोमा हेर्नुस् न ल सब्स्क्राइब गरेको छ ल हेर्नुस् ल तपाईहरुको राम्रो लाग्यो यहाँ राम्रोसँगले केयर गर्नुभयो हुन्छ बाई गएको ओके लेट्स मुभ इट। सो अभी ना हम लोग पोखरा से काठमांडू के लिए निकल रहे हैं और जो नेविगेशन है मुंगलिंग का सेट किया है मुंगलिंग से फिर हम लोग काठमांडू का सेट करेंगे। तो काठमांडू में अभी कहाँ रहेंगे वो कोई कंफर्म नहीं है या दो कज़न है कज़न के वहाँ रहेंगे कि होटल में रहेंगे कोई कंफर्म नहीं है। अभी का जो टाइम हुआ है 1:45 काठमांडू पहुँचते यही कोई आपका 9-10 बज जाएगा शायद आज। तो पता नहीं क्या करेंगे उधर जाके अगर ज़्यादा ही देर रहा तो होटल मिलना मुश्किल है। फिर कोई नहीं हमारे जो कज़न वाले ना मतलब होटल को बुक करके रख देंगे शायद अगर नहीं हुआ तो रास्ते से फ़ोन करेंगे। तो अभी पोखरा से बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा जैसा लग रहा है क्योंकि अभी बहुत भीड़ भाड़ है कि हम लोगों को निकल रहा था सुबह को क्योंकि फेवाले को हुआ नहीं था फेवाले के कारण से लेट निकले। कोई नहीं पहुँच ही जाएंगे सबसे बड़ा चौक पृथ्वीनारायण चौक। तो ये रहा पोखरा का ट्रैफिक थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा है अभी क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ही चलने वाला टाइम हुआ है इतना बड़ा बड़ा बस भी चलता है। अभी हम लोगों को मार्केट से निकलने में टाउन से निकलने में ही टाइम लगेगा जैसे लग रहा है। हजार आप लोग देखिए ये चेक शर्ट लगाने वाले दाई को ये दाई हमारे लिए फरिश्ता बन के आए। अभी देखिए ये दाई क्या करते हैं हमारे लिए दाजु भन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै तेलको खर्च उठाइदिनु भयो। सो यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म जाने। सो तपाईँलाई धन्यवाद हामीले तपाईँलाई चाहिँ बहुसमान मान्यौँ है अब साँच्ची हजुर इन्द्रज्योति आइली स्टोर हजुर
गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 बुढी बजारमा एकजना दाई सिक्किम बसेर आउनुभएको रहेछ, इलाम रहेछ उहाँको घर। उहाँ पाँचजना भाइहरूलाई सिक्किमबाट बेल राखेको देख्दाखेरि त्यो पछाडिको अल्फाबेट मोटरसाइकलको नम्बर देखेपछि उहाँलाई मलाई चाहिँ भाइहरूलाई यो यात्राको क्रममा दुःख सुख हामी नेपाली दाजुभाइ सिक्किम आउँदाखेरि चाहिँ सम्झना आएको कारणले मैले उहाँहरूको फ्युलको पैसा म भाइहरूलाई सम्झने गर्छु भन्नुभयो र मैले उहाँको सम्झनेको पैसा लिएँ र मैले पनि निश्चित मार्जिनमा काम गर्ने हो, सरकारले तोकेको मूल्यमा चाहिँ मार्जिन लिने हो र यहाँलाई धेरै धेरै भाइहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। भाइ मैले यति कुरा बोले अन्यथा नलिनु होइन, एकदम राम्रो होस् तपाईँको म भिडियोमा हाल्छु हो युट्युबमा ल। ए भैयाजी ने हमारा पूरा का पूरा खर्चा उठा दिया यहाँ पे पेट्रोल का, करीबन 6000 कितना था, 6480 जितना भी पेमेंट था उन्होंने कर दिया। ये सारो बाइक का लोगों ना मतलब एक मानवता के नाम पे ना मतलब बहुत लोग अच्छे लोग भी होते हैं, इसमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी होते हैं। तो गाइस अभी ना हम लोग करीबन 35-40 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं पोखरा से, और मेरे को ना हमेशा नींद लगता है, ये जब भी खाना खा के बाइक राइड करता हूँ ना, बाइक हो या गाड़ी हो हमेशा नींद लगता है। अभी ना इतना जोर का नींद लगा अभी तो हमारा ग्रुप में ना दो बंदा आगे ही चला गया और अर्जुन में और मैं पीछे बैठ रह के हाथ मुँह धो के एक एक पैकेट जूस खा के फिर निकले हैं। अभी थोड़ा सा नींद भाग गया है। पोखरा से 50 किलोमीटर अभी रहा, यही कोई 42 समथिंग किलोमीटर। तो अभी हम लोग देवराली में और यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, और विकास को भी थोड़ा सा थका हुआ है तो रिफ्रेशमेंट करने के लिए रुके हुए हैं और शॉर्ट टॉयलेट के लिए रुके हैं। अर्जुन ना पूरा वो डॉग लवर है ना, तो पूरा कुत्ते के साथ कौन सा मेरे घर में भी है ना। हाँ तो अभी मैं 6-7 दिन हो गया तो बहुत मिस कर रहा हूँ मेरा डॉगी, क्या कर रहा होगा पता नहीं। सो कोई नहीं, अभी हम लोग को ना बहुत अच्छा अच्छा मतलब बंदे लोग मिल रहे हैं ना, बहुत अच्छा मिल रहा है। पता नहीं आज एक फरिश्ता भी मिल गया ना हम लोग, फरिश्ता मिल गया था। अभी तेल भराने वाला था जेब में, पैसा तो था लेकिन हम जब देने वाला था तब फरिश्ता आ गया, पता नहीं वो कौन है। लेकिन नेपाली हम लोग सिक्किम का देखे ना पूरा पेमेंट कर दिया, 6500 जैसा पूरा चार बाइक का पेमेंट कर दिया, पूरा कर दिया। पता नहीं उसके दिल में क्या हो गया ना, वो समझ में नहीं आया। फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आया कि वो उसको, लेकिन वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम वो चेहरा ना उसका रोने जैसा हो गया। हम लोग को देख के इमोशनल हो गया ना, हम लोग सिक्किम का, जब हम लोग सिक्किम का बोला, हम लोग सिक्किम से आए बोला तो वो इमोशनल हो गया, इमोशनल हो गया। और चार बाइक का उसने पेमेंट भी कर दिया, वो फरिश्ता है, वो फरिश्ता है सच में। हम अभी तक मिस कर रहे हैं उसको, ऐसा आदमी तो जिंदगी में नहीं मिलेगा सच में सच में। और ये ना अभी हम लोग देवराली में ये खा रहे हैं पूरा का पूरा, ये कितना बड़ा है आप लोग देख सकते हो, और ये समोसा भी बहुत अच्छा है। और जो जैकेट को देखिए, सीमित की बोरी की तरह हो गया है सीमित की बोरी की तरह हो गया। अब इसको आपको ये तो रोटी का साइज दिखा देते हैं, आप देख लीजिए मेरा जो चेहरा और ये रोटी, इतना बड़ा रोटी है। वाह भाई दामी रहे रोटी। 2 hours later लोग ना मुंगलिंग पहुंच चुके हैं, और मुंगलिंग पहुँचते पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, और अभी हम लोगों को जाना है काठमांडू यहाँ से, और इस रास्ते से आए थे हम लोग, अभी यहाँ से जाना है। तो पता नहीं लड़के लोग क्या बोलता है, सुन लेते हैं पहले। के कर दे कटाओ, के कर दे हो कस्तो देख्दैछ तिमीहरूलाई, अर्कै देख्दैछ नि हौ, यस्तो हाउडे देख्दैछ कि कस्तो हाउडे देख्ने रहेछ, गन्दा लग रहा, लेकिन अभी क्या क्या देख के आया ये आँख में, अभी दिमाग में भी है ना।
हम लोग का डिसाइड हो चुका है कि हम लोग जा रहे हैं लीला दीदी के घर, क्योंकि लीला दीदी ने खाना मतलब डिनर बना के रेडी करके मैं वेट करूंगा करके बोल रही है ना, तो हमको हम लोग पाँचों लोग वहीं पे जाएंगे क्योंकि दीदी बुला रही है। और थोड़ा हम लोग का रहने का जो इंतज़ाम किया था होटल में विमल ने, तो वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोगों को डायरेक्ट जाना पड़ेगा लीला दीदी के घर और वहीं पर खाना वाना खा के वहीं पर रेस्ट करना है आज। Two hours later. So finally guys, हम लोग पहुँच रहे हैं दीदी के घर और वो है ललितपुर में। और हमारा जो कंडीशन है ना एकदम सही नहीं है क्योंकि इतना धूल मिट्टी था ना, इतना धूल मिट्टी था। और सो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर और ये रहा दीदी के घर। और दीदी का भी फ़ोन करेंगे उसके बाद अंदर घुसेंगे। सो